इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा हासिल करने वाले बॉन्ड, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन SBI ने ऐसा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट को 6 मार्च तक जानकारी नहीं दी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना की याचिका डाल दी गई है। और कहा जा रहा है कि SBI ने इसलिए जानकारी नहीं दी क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले SBI को डोनर और डोनेशन अमाउंट को सबके सामने न रखना पड़े। पर क्या ये वाकई सच है? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए SBI को 6 मार्च तक की डेडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है और ये योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी, जैसे किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक कितना चंदा मिला, इन सब की जानकारी मांगी थी। अब SBI ने डेडलाइन खत्म होने के बावजूद चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा। SBI ने याचिका में कहा है कि जानकारी निकालने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्हें और समय दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने SBI के मोहलत मांगने पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा 30 जून का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर SBI ये जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रही? महालूट के सौदागर को बचाने में SBI क्यों लगी है? वहीं राहुल गांधी ने भी BJP पर जमकर कटाक्ष किया और लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने की पूरी कोशिश की। खैर, इस पर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होगा वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर क्या थी। क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। इस योजना के तहत राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए कोई भी व्यक्ति अकेले या किसी के साथ मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड SBI की चुनी हुई शाखा से खरीदे जा सकते थे। उस बॉन्ड को किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान किया जा सकता था। ये बॉन्ड 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग से वेरिफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। हालांकि इस योजना को लेकर आरोप लगे कि इस योजना में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती। ये योजना चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकती है। ये भी आरोप लगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत बड़े कॉरपोरेट घराने बिना अपनी पहचान जाहिर किए किसी राजनीतिक पार्टी को जितना मर्जी चंदा दे सकते हैं। खैर, ये मामला जब से कोर्ट पहुंचा, जब से इस पर काफी बहस चल रही है और SBI ने जब कोर्ट से समय मांगा तो ADR ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। ADR की ओर से प्रशांत भूषण ने यह मामला उठाया और कहा कि SBI के खिलाफ कंटेम्प्ट कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि SBI ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है क्योंकि SBI ने 30 जून तक का वक्त मांगने के लिए आखिरी वक्त में आवेदन दाखिल किया ताकि लोकसभा चुनाव से पहले डोनर और डोनेशन अमाउंट को सबके सामने न रखना पड़े। मोर देन 50% हैव बीन रिसीव्ड ओनली बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर and the rest have been received only by the ruling party in the states. Virtually nothing, not even 1% has been received by opposition parties which are not ruling in the center or at the states. And virtually all the bonds have been purchased by corporates, by companies, because they are almost all of denomination of 1 crore and above. 95% are in the denomination of 1 crore. It can only be done by the State Bank, which is a Government of India institution. Of course, State Bank is also effectively prohibited from disclosing it. But the scheme says that if a law enforcement agency needs to know this, get this information, it may ask the State Bank to disclose this. So if at all, only a law enforcement agency, which are all essentially controlled by the government, or
The government itself, because it controls the state bank, can come to know only this much, that this particular bond was purchased by this company and this was encashed by this party. But nobody else can come to know this information under the scheme of electoral bonds. तो सुना आपने प्रशांत भूषण की तरफ से आखिर क्या कहा गया। दरअसल इससे पहले एडीआर ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसे भी कोर्ट के सामने रखा गया था, जिसमें बताया गया कि बीजेपी ने 2022-23 में लगभग 720 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जो चार अन्य राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिली कुल राशि से 5 गुना ज्यादा है। एडीआर ने यह बताया कि दिल्ली से राष्ट्रीय दलों को कुल 2,76,202 करोड़ रुपए, उसके बाद गुजरात से 1,60,509 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र से 96,273 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय दलों को कुल चंदा 91,701 करोड़ रुपए बढ़ गया। कोर्ट में ये जानकारी देने के बाद एडीआर ने एसबीआई पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है, ऐसे में कंटेम्प्ट कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह संगठन 25 साल से ज्यादा समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष बनाना है और इसलिए ही एडीआर ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद कोर्ट में केस चलता रहा, जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया था और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश करे। एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि मामले में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए, जिसके बाद एडीआर की तरफ से कई सवाल उठाए गए। अब देखना होगा कि क्या आगे आने वाले समय में इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है और 11 मार्च को आखिर क्या होगा वो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।